करके बेटा मैं प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। और आप उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना, और ये यूज होंगी जस्ट लाइक योर लॉस, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी वन क्या कहती है? प्रॉपर्टी वन कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, अगर कोई ऐसी रो या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम इज जीरो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी जीरो एज वेल। फॉर एन इंस्टेंस, लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 2 -1 0 0 0, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये लास्ट रो है ये जीरो है। तो ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल आल्सो बी जीरो। जीरो ठीक है, तो मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बोलोगे कि सारे एलिमेंट इस रो के जीरो हैं इसलिए डिटर्मिनेंट जीरो है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट ये इसका फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, जैसे वन आप ये करते हो ना 2 0 -1 0 इसको सॉल्व करते हो, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो सीधा दैट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। समझ में आई बेटा सभी को पहली प्रॉपर्टी? फिर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं बेटा, अगर किसी आपकी मैट्रिक्स की कोई भी एक रो या कॉलम उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, जैसे कि ये रो है आपकी एक जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है जीरो हैं, तो फिर आपका डिटर्मिनेंट भी जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा। ओके सर, हाँ हाँ, जी सर। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं कि इफ यू इंटरचेंज रोज विद कॉलम एंड कॉलम्स विद रो ऑब्वियसली तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हम रोज को कॉलम से कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। मतलब बेसिकली अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दे तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो सेम ही आएगा। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके बेटा? जैसे कि कोई मैट्रिक्स आप ले सकते हो, ये देखो 2 1 1 4, 2 क्रॉस 4 8, 1 क्रॉस 1 -1 7 आएगा, 7 आएगा ना, और यस इसका सर, इसका ट्रांसपोज करो अगेन 2 1 1 4 ही बनेगा 8 -1 7 7 ही आएगा। ठीक है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स से ट्राई कर लेना चाहे आप। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। तो अब प्रॉपर्टी थ्री क्या कहती है कि अगर दो एडजेसेंट रोज को या दो एडजेसेंट कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एन इंस्टेंस, लेट से एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी ई एच, सपोज डी ई एफ और जी आर एच लगा लो। इसका डिटर्मिनेंट, लेट से डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला, नॉट दिस ये वाली नहीं आएगी ऑब्वियसली, सीधी लाइन आएगी। जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला
लेट अस से वैल्यू आई एक्स, अगर हम इसकी दो कोई भी दो एडजेसेंट रोज को या एडजेसेंट कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, लेट से मैं ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इंटरचेंज करता हूं, मतलब डी ई एफ पहले आ जाएगा पहला कॉलम, ए बी सी दूसरा कॉलम आ जाएगा, और ऑब्वियसली जी आर एच विल रिमेन द सेम। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्स ही आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बेटा कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं? और हमेशा ना एडजेसेंट रोज और एडजेसेंट कॉलम्स ही होंगे जो आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप पहले कॉलम को ना तीसरे कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर सकते सीधा। ठीक है, अगर आपने पहले को तीसरे से करना है, पहले आप दूसरे तीसरे का इंटरचेंज परफॉर्म करोगे, फिर पहले और दूसरे का इंटरचेंज परफॉर्म करोगे। तो कभी भी आपने फार्दर एंड पर जो आपके कॉलम्स हैं या रोज हैं उनको आपने इंटरचेंज नहीं करना है, हमेशा जो पास पास है कॉलम और रोज वो इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे पहले की दूसरे के साथ इंटरचेंजिंग, पहली रो की दूसरी रो के साथ, दूसरी रो की तीसरी रो के साथ, या दूसरे कॉलम की तीसरे कॉलम के साथ। इज दैट ओके बेटा? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आए, अगली प्रॉपर्टी पे आए बेटा। यस सर। चौथी प्रॉपर्टी कहती क्या है? अब इफ अगर आपकी कोई दो रोज ऐसी हैं जिसके हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, जैसे कि ए बी सी और एक आपका यहाँ पर लेट से एक्स वाई जेड है और यहाँ भी ए बी सी ही है, ठीक है, तो कोई दो कॉलम्स या दो रोज ऐसे हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब इसका भी पहला एलिमेंट ए, इसका भी ए, इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी तीसरा एलिमेंट सी, इसका भी तीसरा एलिमेंट सी, तो ये डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। सर एक्सप्लेन करना फिर से। अगर बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू, नो सर, सेकंड वाला माइनस एक्स वाला आपने क्या? ओके, माइनस एक्स वाला पिछली प्रॉपर्टी। यस सर। इसमें मैंने ये बोला है बेटा कि अगर आप दो एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज करते हो तो आपका जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके सर। जैसे हमने ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम इंटरचेंज किया, साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, मान लो अगर प्लस एक्स आ रहा था तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। जो ये प्रॉपर्टी है वो ये क्या कहती है कि दो रोज या दो कॉलम की अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो ही आएगा, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी फोर क्लियर है? यस सर। प्रॉपर्टी फाइव पे आए। प्रॉपर्टी फाइव पे आए बेटा। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी फाइव अब क्या कहती है कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से मैं चार से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले कॉलम को, 4a 4b, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा आपका, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी उस कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मान लो अगर ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आना था डेल्टा, अगर मैंने इसके पहले कॉलम को चार से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट को, तो डिटर्मिनेंट में भी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी चार से। ठीक है बेटा, क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा?
किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे मूव करें सिक्स प्रॉपर्टी पे. यस सर. यस सर. ओके, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ऐसा एक रो है या कॉलम है जिसमें दो टर्म्स हैं, जैसे कि ये सपोज एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स, ठीक है, और यहाँ पर है लेट से वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू यू वन यू टू. तो इसका जो डिटरमिनेंट, दोबारा समझाना, डिस्कनेक्ट हो गया था. क्या चीज? पिछली प्रॉपर्टी? यस सर. ओके, पिछली प्रॉपर्टी थी बेटा कि अगर मैं किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को के हर एक एलिमेंट को एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे चार से मल्टीप्लाई करता हूं पहले कॉलम को, ठीक है, तो ऑब्वियसली एबीसी क्या, एबी क्या बन जाएगा, फोर ए और फोर बी. तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो उसकी वैल्यू भी उस कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ही आएगी, ठीक है. मतलब यहाँ पर अगर चार से मल्टीप्लाई किया ना पर्टिकुलर किसी कॉलम को या किसी रो को, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आएगी वो भी उस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ही फाइनल आएगी, ठीक है. ओके सर. अब ये प्रॉपर्टी हम कर रहे थे डिस्कस कि किसी रो या किसी कॉलम में ऐसी एक रो या ऐसा एक कॉलम है जिसका हर एक एलिमेंट या कोई ऑब्वियसली एलिमेंट ऐसा है जो दो चीजों से मिलके बना है, दो चीजों के सम से या सब्ट्रैक्शन से मिलके बना है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी अगर हम इनको अलग अलग कर ले. मतलब ऐसा अगर लिख दूं ना मैं x3 z1 z2 x5 u1 u2, ठीक है, तो ये दो डिटरमिनेंट इनको अलग अलग करने के बाद जो दो डिटरमिनेंट आएंगे उनके सम के बराबर होगा, ठीक है बेटा. बेसिकली किया गया है, हमने पहली रो में प्रॉब्लम थी, पहली रो ही ऐसी थी जिसमें दो दो एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, दूसरी दो रोज दोनों डिटरमिनेंट में सेम है, और पहली रो में एक डिटरमिनेंट में हमने पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरे डिटरमिनेंट में हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया. सपोज अगर ये होता ही ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हम ऑब्वियसली प्लस जीरो मान सकते हैं और यहाँ एक्स सिक्स की जगह पे जीरो आ जाता. समझ में आई बेटा बात? यस सर. यस सर. कोई डाउट तो नहीं? नो सर. ठीक है, ऐसी अगर तीन चीजें होती तो तीन चीजों को भी आप तीन डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकते हो. मान लो एक्स वन एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू है ना, तो आप प्लस एक्स थ्री भी होता अगर, तो आप तीन डिटरमिनेंट में उसको डिवाइड कर देते, ठीक है, क्लियर है? यस सर. अगली प्रॉपर्टी देखें, एट्थ प्रॉपर्टी. यस सर. एट्थ प्रॉपर्टी अब क्या कहती है कि सपोज हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल पर ही नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, यही होता है ना बेटा डायगोनल मैट्रिक्स? यस सर. अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा बेटा वो डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, ए बी सी, दैट्स इट. क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर. करें अगला, लास्ट प्रॉपर्टी करें अब, नाइन्थ. यस सर. ओके, तो अब लास्ट जो है वो क्या कहती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है ना बेटा सभी को? यस. ठीक है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फिर भी इसको समझ लेते हैं. प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती थी, कौन सी होती थी जिसका ट्रांसपोज करने पे सर नेगेटिव मैट्रिक्स आए हमारे पास, मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी.
तो वो कह रहा है कि अगर एक स्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर मतलब ऑर्डर वन, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फाइव, मतलब वन क्रॉस वन, थ्री क्रॉस थ्री, फाइव क्रॉस फाइव, इस ऑर्डर की अगर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर वन की है, थ्री की है, फाइव की है, सेवन की है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। अगर वो इवन ऑर्डर की होगी तो नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हेलो बच्चे, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं अब? सर जी ये वाली रिपीट कर दो, आप म्यूट थे। ओके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और उसका ऑर्डर ऑड है, मतलब या वो वन क्रॉस वन की है या थ्री क्रॉस थ्री की है या फाइव क्रॉस फाइव की है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। और अगर वो इवन ऑर्डर की होगी ऑब्वियसली, टू क्रॉस टू जैसे या फोर क्रॉस फोर की होगी, तो हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? पहली सात प्रॉपर्टीज बेटा अच्छे से करना है आपने। Yes, sir. पहली सात प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका एक तो अलग अलग करने वाला, ये एक्सट्रीम होता है कि ये सबसे डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस जो आएंगे कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई होगी और कहा गया होगा कि प्रूफ करो कि इसका डिटर्मिनेंट ये चीज है, ये वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट आएगा इसका, पर बिना खोले, विदाउट ओपनिंग। और विदाउट ओपनिंग मतलब वो जो हम नॉर्मल माइनर वाला मेथड लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे, हमें प्रॉपर्टीज ही यूज करनी पड़ेगी। सो इज दैट ओके? सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके ही आपने प्रूफ करना है कि ये चीज है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन बेटा आते हैं हमेशा जीरो वाले, कि जीरो प्रूफ करना है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें जीरो प्रूफ करना होता है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि या तो आप कोई रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बना दो तो आपका काम बन जाएगा, या आप कोई दो रो ऐसी बना दो जिसके एलिमेंट सेम हो तब भी आपका काम बन जाएगा। दो रो या दो कॉलम्स,
और एक मेन चीज जो आप यूज करते हो जो इसकी प्रॉपर्टी सेट में आपको नहीं दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज बेटा अगर आपका कुछ ऐसे है डी ई एफ जी एच आई, ऐसे आपको एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला गया है, अगर आप किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो से माइनस करते हो, ठीक है, लाइक दिस कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, रोज को बोलता बोलते हैं जैसे आर और कॉलम्स को बोलते हैं सी, तो आर वन मतलब रो वन, सी टू मतलब कॉलम टू, तो अगर मैं ये परफॉर्म करता हूं कि सी वन, ठीक है ये वाला एरो चाहे ना डालो इक्वल टू डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी वन प्लस सी टू या माइनस सी टू कर दो, ठीक है तो ये इसके बराबर आ जाएगी, ए माइनस डी, बी माइनस ई, ई माइनस एफ, ये आपकी वैसे की वैसे ही रह जाएगी जी एच आई, और इससे भी डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। आप कोई रो की वैल्यू कोई कॉलम की वैल्यू दूसरी कॉलम में ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे भी कॉलम अपना डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक प्रॉपर्टीज में नहीं होती है बट आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है बेटा? सर एक बार समझा दो इसे दोबारा। हाँ जी बेटा, मैंने क्या बोला है कि आप किसी कॉलम की वैल्यू चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लाइक कॉलम वन की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ कि कॉलम वन की वैल्यू आ जाए कॉलम वन माइनस कॉलम टू, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो रो टू की वैल्यू क्या आ जाए रो टू प्लस रो थ्री प्लस रो फोर, या रो वन भी लगा लो आप, ये आ जाएगी तो वाकई ये वैल्यू आ जाएगी उसमें, मतलब रो टू में चेंज हो जाएगी, बाकी की आपकी रोज में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, वो बस यूज कर रहे हैं हम उनकी वैल्यूज, रो टू आपकी चेंज हो जाएगी, और जब आपकी रो टू चेंज होगी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम, ठीक है। जैसे ये किया अभी हमने सी वन माइनस सी टू, तो हमने सी वन में जितने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो सी टू की वैल्यू से माइनस कर दी, यानी कि ए माइनस डी, बी माइनस सी, सी माइनस एफ, ये कर दिया हमने, ठीक है, और देखो कॉलम टू और कॉलम थ्री आपके सेम ही है। गॉट दिस बेटा? यस सर। करें एक दो क्वेश्चन करें, नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन आएंगे जीरो प्रूफ करने वाले, और दूसरे होते हैं बेटा कि कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले, वो ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना एक बार, ये अपने मैथमेटिक्स में सिक्स सेवन्थ एट स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़े होंगे, एक बार इसको इंटरनेट से ढूंढ के ब्रशअप कर लेना, यूज में आते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? दो ही तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक जीरो प्रूफ करने वाले, दूसरा जिसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे आपके बेसिकली, ठीक है। करें बेटा क्वेश्चंस, करें कुछ अब एक दो प्रैक्टिस करने के लिए। यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कोई एग्जांपल ही लेते हैं, नाइन है, वन है, वन है, नाइन है, माइनस थ्री है, नाइन है, ट्वेल्व है, फोर माइनस फोर है, और ट्वेल्व है, ये प्रूफ करना है आपने, प्रूफ दैट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो है। तो जीरो बनाने के लिए या तो मैं कोई एक रो या कोई कॉलम जीरो बना दूं तब भी मेरा काम बन जाएगा, या मैं दो रो सेम कर दूं तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो बेसिकली जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सपोज यहां से मैं ये वाली चीज जो है, ये वाली कॉलम है, इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है बेटा, निकल सकता है ना,
थ्री कॉमन निकल जाएगा ना, बेसिकली हमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तभी ये 3 आया ना यहाँ पर, यहाँ पर माइनस 1 आया, यहाँ पर भी 3 आया, और ऑब्वियसली 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो डिटरमिनेंट भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? प्रॉपर्टी थी ना आपकी ये कि किसी कॉलम के सभी वैल्यूज को अगर हम किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी उसके से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही चीज ही है, 1/3 से डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 से कॉलम की ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद यहां से भी 4 में कॉमन निकाल देता हूं, तो 1/3 × 1/4 हो गया बाहर, ठीक है, और ये क्या हो गया 3 − 1 = 0, तो ये देखो 2 कॉलम बराबर हो गए। यस सर। तो 2 कॉलम बराबर हो जाते तो डिटरमिनेंट क्या आता है, ऑब्वियसली आपको ये बार बार इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ये अब इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। और प्रूफ करने के बेटा अलग अलग तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरीके से करो, ठीक है। 1/12 ये 0 हो गया, 0 ही होगा, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये बेटा, हाँ जी बोलो सर। जैसे आपने 1/3 कॉमन लिया है तो हम 3 भी तो कॉमन ले ही सकते थे, 1/3 क्यों लिया? किसमें सर? ये 9 − 3 = 9, ये वाला 1/3 कॉमन नहीं लिया? 1/3 कॉमन लिया, ठीक है। ये बेटा अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप 3 कॉमन लेते हो, सपोज आप 3 कॉमन लेते हो, एक सेकेंड, 3 कॉमन आप लेते हो तो बेटा मल्टीप्लाई भी आपको 3 से ही करना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट है डेल्टा, अगर आप उसके किसी एक कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट भी, सपोज के से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट भी के से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सपोज आप 3 कॉमन निकालते, मतलब यहाँ 1/3 ना आता, यहाँ 3 आता, ठीक है, तो मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना 3 के साथ डिटरमिनेंट की, तो अंदर भी बेटा आपकी मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ ही होनी चाहिए ना फिर, तो ये 3 × 9 = 27 हो जाता है, ये −9 हो जाता है, ये भी 27 हो जाता है, लेकिन हमने तो बेसिकली निकालना है कॉमन, ठीक है, इसको कॉमन निकालना नहीं, इसको प्रॉपर्टी यूज करना कहते हैं। और प्रॉपर्टी यूज करना में वो क्या कह रहा है कि आप किसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करो किसी के से, तो हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब बेटा ये 3 − 1 और 3 आएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तभी कटकर 3 आएगा ना, और −3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी −1 आएगा ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा ना, ये किसी ब्रैकेट से आप कुछ कॉमन निकालने वाला वो कॉन्सेप्ट ना याद रखो, प्रॉपर्टी जो है वो याद रखो ना, जैसे 2x होता है तो आप कहते हो 2 कॉमन निकल गया, 2x + 2y है तो 2 कॉमन निकल गया, वो वाला फंडा नहीं है बेटा। इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है कि किसी चीज को मल्टीप्लाई करो किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ, वो डिटरमिनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेसिकली हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए डिटरमिनेंट को भी हम 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नो डाउट निकला कॉमन क्या, 3 ही निकला बेटा, बट प्रॉपर्टी के वे से देखें तो 1/3 निकला। इज दैट ओके? तभी प्रॉपर्टीज बेटा करवाई गई हैं। यस सर। अच्छे से पता लग गया ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके नो सर। तो आगे करें बेटा? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे कहते हैं कि
एग्जाम्पल फोर है, जैसे वन ए वन बी और वन सी, ये दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, बी सी सी ए ए बी, और कहा है प्रूफ दैट के इसका डिटरमिनेंट वैनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाना मतलब जीरो हो जाना, तो ये जीरो बनाना है हमने बेसिकली बिना एक्सपेंड किए। एक्सपेंड करने में तो बड़ा सिंपल ही है, आराम से हो जाएगा, लेकिन बिना एक्सपेंड किए करना है हमने, ये सी है तो बिना एक्सपेंड किए करना है, तो मतलब या तो दो रो सेम कर दो या कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो कर दो, तब भी बात बन जाएगी। सर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेलो सर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे बस सी वन इम्प्लाई सी वन इंटू सी टू, प्लस माइनस कर सकते हैं बेटा, ट्रांस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये किया था ना सी वन सी वन प्लस सी टू, या टू सी टू भी कर सकते हो आप, थ्री सी टू भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट प्लस माइनस नहीं हो सकता, जैसे प्लस माइनस में होता। दोबारा बोलना, एक्सक्यूज मी, कॉलम थ्री सेपरेट नहीं हो सकता जैसे हमने प्लस माइनस। बेटा कॉलम थ्री सेपरेट कर, अगर आप करते हो तो वो बेटा प्लस के बेसिस पे सेपरेट होता था ना, बी प्लस सी को सेपरेट कर सकते हो आप, बी मल्टीप्लाई सी को थोड़ा ना सेपरेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी प्लस सी है अगर, और यहाँ पर सी प्लस ए है और एक ए प्लस बी है, तो आप एक डिटरमिनेंट ले सकते हो ए बी सी वाला, एक डिटरमिनेंट आप ले सकते हो बी सी ए वाला, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर तो बेटा नहीं ले सकते ना आप, अलग नहीं कर सकते फिर तो, ठीक है। तो कैसे किया जाए? यस सर, कैसे किया जाए सर, कॉलम थ्री को किसी से डिवाइड कैसे, कॉलम देखो सिंपल सी वे, एक चीज देखो ये आप, अगर मैं कॉलम वन को, ठीक है प्रॉपर्टी पता कौन सी यूज कर रहा हूँ, कॉलम वन पे मैं यूज कर रहा हूँ, कॉलम वन इज मल्टीप्लाई बाय एबीसी, तो डिटरमिनेंट भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एबीसी के साथ, है ना? एबीसी हो जाएगा और फिर वो कॉलम थ्री के बराबर हो जाएगा, एबीसी बाय ए, एबीसी बाय बी, एबीसी बाय सी, ए बी सी बी सी, ठीक है सी ए और ए बी, तो ए बी सी बाय ए उसमें बजा क्या, बी सी बजा, ए बी सी बाय बी, बी और बी कैंसल आउट हो गया है ना, ये और ये कैंसल आउट हो गया, ये और ये कैंसल आउट हो गया, ये और ये कैंसल आउट, कॉलम वन और कॉलम थ्री सेम हो जाएंगे, तो ए सी, ए सी को हम, ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ए बी तो ए बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो कॉलम वन और कॉलम थ्री आर सेम, हेंस डिटरमिनेंट विल बी जीरो, है ना, ये डिटरमिनेंट जीरो, ये जीरो आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो विच इज द रिक्वायर्ड थिंग, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन है, एक तो आपने ये प्रैक्टिस करने हैं और चांसेस इसके आने के ज्यादा होते हैं, दूसरे आपके होते हैं ये वाले फॉर्मूलास, ये आते होंगे बेटा तो ही वो क्वेश्चन निकलेंगे, और इसमें बेसिकली क्या करना होता है वो मैं बता देता हूँ, पहले तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अप्लाई करने आने चाहिए, उसमें फाइनली क्या आता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स बचती है, फाइनली डायगोनल मैट्रिक्स बचती है, बाकी सारे जीरो कर देने आपने, और जो डायगोनल मैट्रिक्स बचती है डायगोनल को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा, दैट्स इट। या तो आपने जीरो वाले क्वेश्चन आते हैं या कोई वैल्यू होती है यहाँ पर, वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल पे एलिमेंट लेके आते हैं, बाकी सारे जीरो कर देने हैं और डायगोनल के एलिमेंट ले आने हैं, ताकि खोलने की जरूरत ना पड़े, और डायगोनल के एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा, इज दैट ओके? यस सर। ये अब आपके प्रैक्टिस करने पे है बेटा सारा,
अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो, किसी की नहीं हुई होगी तो काइंडली मार्क क्विक। एक मिनट में मैं आपको आपके अटेंडेंस को सेव करने वाला हूँ, जल्दी मार्क कर दो बेटा सभी। कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो, बाकी सब प्रैक्टिस पे है। दो तरीके के क्वेश्चन है वो भी मैं बता चुका हूँ। जीरो वाले बहुत आसान होते हैं, दो या तीन स्टेप्स लगते हैं और हो जाते हैं। जो आपके ये दूसरे टाइप के हैं जिसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपके, कॉमन मैथमेटिकल फॉर्मूले जो आपके हैं, ये इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूले, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट चांसेस कम होते हैं उनके आने के। जीरो वाले के चांसेस काफी होते हैं आने के, जिसमें जीरो प्रूफ करना होता है, उनके चांसेस ज्यादा, इनके चांसेस होते कम है पर आ भी सकते हैं। प्रैक्टिस करना बेटा, यू हैव वन डे, एक दिन है आपके बीच में, यू कैन प्रैक्टिस। और आई गेस मीटिंग इज नॉट गोइंग टू एंड, तो बेटा मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ फिर।